सभी लोगों को नमस्कार प्रणाम। फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों से मिलने का मौका मिला और सबसे पहले आप लोग सब लोग जान रहे हैं कि आज 18 जुलाई है और पार्टी ने निर्णय लिया था कि हम सब लोग मिलकर के जो कमर तोड़ महंगाई है, महंगाई के खिलाफ विरोध में हम सब राष्ट्रीय जनता दल के सभी कार्यकर्ता, सभी नेता, सभी पदाधिकारी आम जनों के हित में आवाज़ उठा करके इस महंगाई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करेंगे। मैं अपने सभी साथियों को, कार्यकर्ताओं को, खासतौर पे पदाधिकारियों को, नेताओं को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि आज बिहार के सभी प्रखंडों में इस महंगाई के खिलाफ जो प्रदर्शन रहा वो सफल आप लोगों ने मिलकर के बनाने का काम किया और भारी लोगों का समर्थन भी इसमें, आम लोगों का, गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का, नौजवानों का, सभी लोगों का, हम लोगों को जो समर्थन मिला है और एक सफल कार्यक्रम हुआ है, इस वजह से हम सोचे कि आप लोगों से मिलकर के फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सब लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे। आज 18 जुलाई जो तय हुआ था कि सभी प्रखंड में जो है महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन होगा और कल 19 जुलाई जो कि सभी जिला मुख्यालय में महंगाई के विरोध में प्रदर्शन हम लोग करेंगे। आप लोग जानते हैं कि कुछ लोग सत्ता में आए थे, आने से पहले उन लोगों ने वादा किया था कि महंगाई को कम करेंगे, अच्छे दिन लाएंगे। आज क्या नौबत आ गई, आज लगभग बिहार के सारे जिलों में जो है 100 से भी ऊपर पेट्रोल डीजल का दाम जो है वो हो चुका है, एलपीजी गैस के दाम जो है वो बढ़ गए हैं, आपके जितने भी खाद के सामान थे वो महंगा हो चुका है, लोग त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग आम आदमी गरीब सब लोग परेशान हो चुका है। कोरोना महामारी में ऐसे ही छोटे मोटे व्यापारियों का जो व्यापार था वो ठप हो गया, मजदूरों की मजदूरी छीन गई, रोजगार लोगों का छीन गया, सारी चीज़ें जो है महंगी हो गई। खास तौर पे आज अगर बात की जाए तो जुताई, बुआई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई, पिसाई, दवाई और रसोई, सारी चीज़ें जो हैं वो महंगी हो गई हैं, सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं। पेट्रोल का, डीजल का दाम बढ़ने से हर स्वाभाविक रूप से सारी चीज़ें जो हैं महंगी हो जाती हैं। इसलिए आप सब लोगों से हम ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज सब लोग एकजुट होकर के सरकार के खिलाफ, जो महंगाई के खिलाफ आप लोगों ने प्रदर्शन किया, इसको और व्यापक रूप में कल जितने भी जिला मुख्यालय हैं उसमें आप सब लोग जो है समर्थन देने का काम करें। चुप बैठने का वक्त नहीं है, वरना आप देखिए शतक लगा चुके हैं ये लोग पेट्रोल डीजल में, तोहरी शतक भी लग जाएगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। इसलिए आप सब लोगों के साथ हम लोग मिल करके आम जनता, गरीबों की आवाज़ को हम लोग मिल करके बुलंद करें और मजबूती के साथ हम लोग जो हैं इस जो दोहरी मार जो पड़ी है महंगाई की लोगों का, लोगों पर, उसको लिख करके हम सब लोग जो हैं कल आप सब लोगों से हम अपील भी करना चाहेंगे कि सब लोग समर्थन करें और सरकार को आईना दिखाएं, उनके वादे को याद दिलाएं कि ये लोग अच्छे दिन ला रहे थे लेकिन पूरी तरीके से बुरे दिन ले आने का काम किया। तो इसलिए हम सोचे आप लोगों से फेसबुक के माध्यम से आप लोगों से सबसे पहले कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देंगे और कल व्यापक रूप में जो बंद होने वाला है इसमें आप सब लोगों का समर्थन हम मांगना चाहते हैं। तो इसलिए आप सब लोगों को दिल से धन्यवाद, प्रणाम।